हेलो एवरीवन, वंदना टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है पॉन्सेटिया प्लांट पर। तो इस पर मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है कि नर्सरी से लाने के बाद हमें वो काम नहीं करना है जो हम हर प्लांट के साथ करते हैं। ये मेरी उस वीडियो का टॉपिक था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस समय उस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था कि हमें प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो प्लांट की रिपोर्टिंग फ्रेंड्स इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि उस समय उसके रेड रेड पत्ते थे और गिर जाते, इसकी वजह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग छुड़वा दी थी। और पूरा सीजन मैंने इंजॉय किया था इन प्लांटों का, और अब मैं उसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ क्योंकि अब ठंड का समय आ गया है। वैसे तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग दिवाली के आसपास कर लेनी चाहिए थी, पर मुझे घर के कामों से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। पर कोई बात नहीं, अभी भी हम कर सकते हैं, और अभी तो फरवरी मार्च तक इसमें आराम से इसमें कलरफुल पत्ते आते रहेंगे। तो बस अब इसको ये काम आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज इसी की रिपोर्टिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर जो जाली लगी होती है वो सब मैं रिमूव करके दिखाऊँगी आपको, और इसकी कटिंग भी दिखाने वाली हूँ। तो पिछले साल मैं इसको नर्सरी से लेकर के आई थी और इस साल मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। तो रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले हमें ये जो पुराने प्लांट है हमें इसे बाहर निकालना है। तो इस तरह से जब हम थोड़ा थोड़ा सा पुश करेंगे नर्सरी पॉट को तो ये ढीली हो जाएगी इसकी मिट्टी। और देखिए इस तरह से उल्टा करके और बस धीरे से हल्का सा पुश करेंगे तो ये देखिए निकल गया। तो फ्रेंड्स ये तो नर्सरी वालों ने कोकोपीट में लगा रखा है, पूरा ही इसमें कोकोपीट है। और देखिए किस तरह से मिट्टी झड़ रही है। और ये देखिए जिस जाली की मैं बात कर रही थी, ये जाली इसमें लगी हुई है। ये जाली को हमें रिमूव करना है क्योंकि ये जाली के वजह से हमारा प्लांट ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीजन चलेगा और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छे से जड़ फैल नहीं पाती है। तो देख लीजिए जड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं फैली है, एक लिमिटेड ही है। तो इस जाली को मैं रिमूव करूँगी। तो लाल मिट्टी अगर होती तो भी कुछ हद तक ठीक था, नर्सरी वाले अपने फ़ायदे के लिए लगा देते हैं, और ये जाली पता नहीं क्यों लगा देते हैं। ये जाली से ना तो पौधे का विकास होता है, तो इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए मैं ये कटर ले रही हूँ। तो आपके घर में भी अगर कोई कटर हो तो उससे आप ले सकते हैं, या फिर कोई तेज़ चाकू से या कैंची से भी ये कट सकता है। तो कटर से काफ़ी अच्छे से कट जाता है। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे से हमें इस कटर से मैं इस जाली को रिमूव करूंगी, और बहुत ही सावधानी के साथ आपको ये काम करना है क्योंकि जड़ बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने पाए। और कोई भी रूट, इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं और एक मेन जड़ होती है, सभी जड़ों का हमें ध्यान रखना है और कोई भी जड़ रिमूव ना होने पाए, बिल्कुल भी कट ना लगने पाए। तो बहुत ही आराम से और ध्यान से आपको ये काम करना है। इस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ, बहुत ही आराम से कर रही हूँ, जल्दीबाजी नहीं करना है इस काम में। तो ये जाली को रिमूव करने के लिए हमें इस तरह से जो है एक एक कट मारेंगे, जाली जाली सी होती है, ये निकाल देंगे हम। तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, जड़ें भी फैल जाएंगी आराम से। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। ये जाली लगा देते हैं नर्सरी वाले, उसकी वजह से पौधा एक दो साल ही सर्वाइव करता है और ख़राब हो जाता है। तो ये जाली हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे इस जाली को रिमूव कर रही हूँ। तो आजकल तो हर प्लांट में नर्सरी वाले ये जाली लगा देते हैं, गुड़हल के प्लांट पर भी ज़्यादातर ये जाली लगी होती है। तो फ्रेंड्स इसको जो है रिमूव करना ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि सालों साल आपके यहाँ प्लांट लगे रहें, तो ये जाली रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से जो है धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से रूट बिल्कुल भी ना टूटने पाए, वरना प्लांट शॉक में चला जाएगा और प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे देखिए, ये देखिए निकल गई ना। और इसी तरह से जो एक पार्ट्स और बचा हुआ है जाली का, ये भी निकाल दूंगी मैं आराम आराम से, और फिर आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए इस तरह से मैं सारे तीनों प्लांट की जालियों को निकाल लिया है और रूट्स देखिए इस तरह से खुल गई हैं। और अब जो है सबसे पहले ज़रूरी काम है, सभी को निकाल लिया है मैंने, ये देखिए तीनों में जाली लगी हुई थी। और अब जो है सबसे ज़रूरी काम है कि हमें इन प्लांट को जो है, देखिए मैंने बाल्टी में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा पानी ले करके और इसमें मैं डालूँगी। अब दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सांप फंगीसाइड है। तो अब हमने जो है हाथों से इसके रूट्स को छुआ है, तो इसके रूट में कोई फंगस ना हो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है, आधी चम्मच के बराबर मैंने निकाला है देखिए अंदाज से, और इस तरह से पानी में मैंने फंगीसाइड को घोल लिया है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, पूरी तरह से आप, मैं जैसा बता रही हूँ आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से हमें इसकी रूट को जो है फंगीसाइड में डुबो देना है। तो जो हमने हाथों से रूट को छुआ है उसकी वजह से अगर हमारे हाथों के जो बैक्टीरिया हैं वो रूट्स में लग जाएंगे, इसकी वजह से जो है हमें फंगीसाइड में इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है फंगीसाइड के पानी में हमें 10 से 15 मिनट तक के लिए हमें इसे डुबो के रख देना है। तो जब तक मैं इसकी मिट्टी तैयार करूँगी तब तक ये 15 मिनट के लिए इस फंगीसाइड के पानी में भीगते रहेंगे और इसी तरह से रखे रहेंगे। तो चलिए अब तक फिर इसकी मिट्टी तैयार कर लेते हैं कि किस तरह से इनको मैं मिट्टी बना रही हूँ। ये देखिए ये मिट्टी मैंने तैयार की हुई है, आपको पास से दिखाती हूँ। ये है राइस खस लिया है मैंने। इनकी क्वांटिटी आपको इक्वल रखनी है, जो भी चीज़ लेनी है सब बराबर बराबर मात्रा में लेनी है, या यूं कहें कि 25% अगर हमें राइस खस लेना है तो 25 हमें बर्मी कंपोस्ट लेना है और 25% हमें गार्डन की मिट्टी लेनी है। और उसके बाद हम इसमें जो इसकी पुरानी मिट्टी है, जैसे कि ये कोकोपीट में लगा हुआ था, तो कोकोपीट भी हम पुरानी वाली जो मिट्टी है, ये तो पुरानी वाली मिट्टी है, ये भी 25% हम इसी में मिक्स करेंगे, क्योंकि इसी में पौधा सर्वाइव किया है। और मैंने देखा है कि मेरे यहाँ साल भर ये था ये पौधा, तो काफ़ी अच्छा चला है, बस पानी का थोड़ा कोकोपीट में ध्यान देना पड़ता है। तो ये मिट्टी भी हम मिक्स करेंगे इसके साथ में, तो 25% तो 25% का रेशियो लेना है आपको, यानी कि सारी चीज़ें बराबर बराबर लेनी हैं आपको। तो इस तरह से मैं ले लेती हूँ ये वाली मिट्टी भी जो पहले से लगी हुई थी, क्योंकि पौधा इसी में था तो पौधे को इसी मिट्टी की आदत है, तो इसको ज़रूर हम साथ में मिलाएंगे। और ये बर्मी कंपोस्ट भी मैं इसी में मिक्स कर लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसमें डालेंगे हम ये नीम खली, नीम खली ज़रूरी होता है हमारी मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए। तो ये तो मैं अंदाज से ही ले लेती हूँ, इसका कोई रेशियो नहीं है, अंदाज से एक या दो मुट्ठी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हमें इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं फिर, और इसी मिट्टी में हम अपने पॉन्सेटिया प्लांट को लगाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पोरस मिट्टी है फ्रेंड्स, और राइस खस की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से लोगों को नहीं मिल पाती है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी मिला लेती हूँ, तो आप पता करेंगे तो मिल जाएगी। वैसे आजकल तो ऑनलाइन भी राइस खस मिल जाता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर राइस खस नहीं है तो आप कोकोपीट मिला लीजिए, डबल मात्रा में कोकोपीट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए गमले में मैंने थोड़ा सा नीचे डाला, और अब इसके जड़ को हमें लगाने से पहले सबसे ज़्यादा सावधानी ये रखनी है कि हमें जड़ को एकदम से बैठाना नहीं है मिट्टी में, धीरे धीरे हमें पोला ही पकड़ना है। लगाने का एक यही है, लोग सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं क्योंकि प्लांट लगाते समय एकदम से जड़ों को दबा देते हैं, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जड़ को। और जो नया प्लांट है, इस तरह से अगर हम प्लांट को लगाते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्लांट को लगाते समय हमें से एक हाथ से प्लांट को पकड़ के रखना है, उसे मिट्टी में बिल्कुल भी छोड़ देना नहीं है कि आपने बीच में रख दिया और फिर मिट्टी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं पकड़ के देखिए आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से एक हाथ से प्लांट को ऐसे पोला पोला सा पकड़ के रखना है और बगल से दूसरे हाथ से आपको मिट्टी डालते जाना है, यानी कि प्लांट को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और बस इस तरह से पकड़े रहना है और मिट्टी डालते जाना है। और इस तरह से
जो है गमले को हिलाते जाएंगे हल्के हल्के हाथों से, तो वो धीरे धीरे से मिट्टी बैठ जाएगी। बस यही एक मेथड है, इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब जो ये प्लांट इतने इसकी डालें इधर उधर गिर रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कट कर देती हूँ, जिससे ये जो है पौधा थोड़ा सा सीधा खड़ा रहेगा, इसकी वजह से इधर उधर गिर रहा है। तो जो नोड एरिया है वहाँ से हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि जो है इसकी जो कटिंग निकलेगी वो कटिंग भी मैं आपको इसी वीडियो में लगा करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से जो पौधे की डाल मुड़ रही है, इसकी वजह से पौधा भी मेरा बार बार गिर रहा है, तो ये डाल मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कटिंग तो लगानी ही है। तो इस तरह से मैं जो डाल इधर उधर गिर रही है उनको मैंने कट कर दिया है, तो अब ये पौधा सीधा खड़ा रहेगा। तो इस तरह से जो है मिट्टी डाल के हमें पौधे को लगा लेना है। तो अब ये पौधा लग करके तैयार है। और फ्रेंड्स, इसी तरह से जो और भी जो दोनों पौधे हैं वो भी मैं लगा करके फिर आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए, जो मैंने बाल्टी में अभी रखे हुए हैं दो पौधे, वो भी लगा लेती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, अब इस तरह से मैंने तीनों पौधों को रिपोर्टिंग कर ली है। ये देखिए, तीनों पौधे लग चुके हैं और अब इनकी कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए, इसकी तो मैंने दो तीन कटिंग कर दी थी, और जो एक डाल बची है उसको भी मैं कट कर देती हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कटिंग इसकी कैसे लगानी है। ये देखिए, इतनी सारी जालियाँ लगी हुई थी इनमें, और इनको हटा दिया, अब पौधा भी खुली सांस लेगा। तो चलिए अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो ये फंगीसाइड का पानी था, जो जिसमें मैंने डिप करके पहले रखा था इसकी जड़ों को, ये हम फेंकेंगे नहीं, और इसकी मिट्टी में भी हम थोड़ा फंगीसाइड डाल देंगे। तो ये देखिए, एप्सन सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट को शॉक से बचाने के लिए। तो जैसे हमारा प्लांट, हमने इतना वर्क किया है इस प्लांट पर, तो अब ये शॉक में जा सकते हैं, तो इसको बचाने के लिए हमें एप्सन सॉल्ट का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं हर गमले के हिसाब से एक चम्मच लूँगी, तो इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच लिया हुआ है एप्सन सॉल्ट, वो हम इसमें ज़रूर डालेंगे इसकी मिट्टी में, ताकि हमारा प्लांट जो है शॉक में ना जाए, क्योंकि शॉक में जाने के बाद फिर प्लांट को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी फंगीसाइड के पानी में, और यही वाला पानी हम अपने प्लांट को देंगे। जैसे कि हर प्लांट लगाने के बाद हमें पानी तो देना ही पड़ता है, तो हम पानी की जगह यही डालेंगे, और अगर कम पड़ेगा तो फिर थोड़ा पानी, प्लेन सादा पानी भी ऊपर से डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं। अब देखिए, इस तरह से जो है पानी को हमने डाल दिया अच्छे से। अब ये पौधा देखिए, पानी कितना अच्छे से नीचे चला गया फटाफट, तो कितना अच्छा ड्रेनेज है इसका। और अगर इसमें थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो मैं थोड़ा बहुत पानी बाद में और डाल दूँगी। तो अब इसकी कटिंग ले लेते हैं, और आपको मैं कटिंग लगा के दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग से हम नए पौधे कैसे तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपको जहाँ से प्लांट को रखना हो वहाँ से आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। अगर पौधा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसकी कटिंग ना लीजिए, पर आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो अभी सीजन बहुत अच्छा है, कटिंग भी तैयार हो जाएगी, और हमारा पौधा जो है, जो अब एनर्जी अपनी खर्च करेगा तो वो कम खर्च होगी उसकी एनर्जी, क्योंकि पत्ते कम हो जाएंगे तो नए नए पत्ते फिर जल्दी से निकल आएंगे। तो इस तरह से जो है कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी को कट कर दिया है और एक शेप में अपने पौधे को ला दिया है। तो सभी की कटिंग करने के बाद अब मैं आपको कटिंग लगा के भी दिखाती हूँ कि कटिंग को हमें किस मिट्टी में लगाना है। तो अब इस तरह से देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया हमारा ये प्लांट, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते के बाद इसमें पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम लगाएंगे कटिंग, जो हमने कटिंग निकाली थी पॉन्सिटिया प्लांट की, इसकी कटिंग लगाने के लिए मैंने सिंपल रेत लिया हुआ है। रेत में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, ना खाद ना मिट्टी, सिर्फ रेत है, और इसमें हम पानी डाल देंगे और रेत को गीला कर लेंगे। तो इस तरह से जब भी हम कभी भी कटिंग लगाएं तो पहले मिट्टी को हमें गीला कर लेना होता है। उसके बाद अब हमें जो कटिंग लगानी है उसके सभी पत्तों को हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से सभी पत्तों को हल्के हाथों से तोड़ लेना है,
और सिर्फ 3-4 पत्ते ही छोड़ेंगे, बाकी सारे पत्तों को मैं हटा दूंगी ताकि प्लांट ज़्यादा एनर्जी ना खाए। और इस तरह से 40 डिग्री में एंगल बना करके जो है हमें तिरछा कट कर देना है नीचे से इस तरह से। तो इस तरह से सभी कटिंग को हम तैयार कर लूँगी मैं, इस तरह से पत्तों को हटाऊँगी और नोड एरिया से तिरछा कट कर दूँगी इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ढेर सारे मैंने ये तैयार कर लिए हैं। और अब लगाने के लिए हमें किसी लकड़ी की सहायता से होल बना लेने हैं। इस तरह से सारे होल हम बना लेंगे और इन्हीं होल में हम कटिंग को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कोई रूटिंग हार्मोन का यूज नहीं कर रही हूँ। देखिए 2 से 3 नोड जो है इसको अंदर डालने हैं। नोड एरिया वो होते हैं जहाँ से पत्ते निकलते हैं, क्योंकि यहीं से रूटिंग स्टार्ट होती है। तो 2 या 3 हमें मिट्टी के अंदर ज़रूर दबाने हैं। तो इस तरह से जो है गहरा गड्ढा करके और बस इस तरह से हमें सभी को दबा देना है। तो आप लोग चाहें तो आप रूटिंग हार्मोन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है, कटिंग लग जाएगी। और आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं रूटिंग हार्मोन, या फिर आपके गार्डन में एलोवेरा होता है वो भी आप लगा करके और फिर प्लांट को लगा सकते हैं। और इस तरह से देखिए ये कटिंग तैयार है। और ये जो कटिंग बची है इसे भी मैं किसी और डिब्बे में लगा दूंगी। तो ये डाल बहुत ज़्यादा झुक रही है, 1-2 पत्ते और हटा देती हूँ जिससे ये सीधा खड़ा रहेगा। तो इस तरह से हमारी कटिंग लग करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग भी कटिंग लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है फ्रेंड्स, तो एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।